गान में मेरे वर्धमान महान जन बितरे हैं। निकालो प्रश्न नंबर 194। इन्वर्टेड कोमा के बाद में तीन चौथा पैरा। इस कलश का अर्थ करते हुए पांडे राजमल जी पठन पाठन स्मरण चिंतवन स्तुति वंदना इत्यादि क्रिया रूप विकल्पों को प्रतिक्रमण कहते हैं। क्या इसको समझ में आया? क्या कह रहे हैं? अपन तो ऐसा समझते हैं कि मैंने ये गलती की ये गलती की, ये ऐसा बोलते हैं ना, मैं दुष्ट हूँ पापी हूँ, तो वो प्रतिक्रमण है ना। लेकिन ये क्या लिखा? पठन पाठन स्मरण चिंतमन स्तुति वंदना इत्यादि क्रिया रूप विकल्पों को मन कहते हैं। हम समझते थे कि हम तो करते ही नहीं हैं, आज पता पड़ा कि हम तो दिन रात प्रतिक्रमण करते हैं। वहाँ ऐसा बैठ के उसी का नहीं है। कल मैंने भक्ति के बारे में बताया था ना कि 24 दादी कहते हैं मेरे हृदय में भक्ति भगवान की डोलती है। स्पष्ट लिखा क्या नहीं लिखा? ये कहाँ है? पांडे राजमल जी कलश। ये कलश का वो चीज है कि जिसकी गुरुदेव श्री के मुख से हमने 50 बार सुनी है, इसकी प्रशंसा। तात्पर्य यह है कि राजमल जी साहब उक्त भावों को प्रतिक्रमण आदि में शामिल करते हैं। उनका आशय यह है कि उक्त विकल्पों के काल में तथा उक्त विकल्पों के कारण आत्मानुभव नहीं होता। उनके काल में भी नहीं होता, उसके कारण भी नहीं होता। इस कारण यहाँ उन्हें विषकुंभ कहा है। कि नहीं डॉक्टर साहब? पठन पाठन स्मरण चिंतमन स्तुति और वंदना, इन्हें यहाँ जहर कहा है। अब तो थोड़ा संतोष करो मन में कि अभी तक तो हमारी खटिया ही खड़ी करते थे, फिर तो बासील संयम वाले हैं अब उन्हीं करते थे। अब तो भैया ये तो हमारे पे ही आम नहीं है, ये है ना, देखो इसमें लिखा है सब है? इन शुभ भाव रूप विकल्पों को तोड़कर आत्मानुभव में जाना असली अप्रतिक्रमण है। वो भी प्रतिक्रमण नहीं, असली अप्रतिक्रमण है, अर्थात निष्ठ प्रतिक्रमण है, अर्थात वह अमृत कुंभ है, उपादेय है। शुद्धोपयोग रूप अप्रतिक्रमण को जाने बिना शुभोपयोग रूप प्रतिक्रमण को छोड़कर अशुभ भाव रूप अप्रतिक्रमण में चले जाना तो महाविषकुंभ है, अत्यंत हेय है। इस कलश में यही कहा गया है। कलश टीका के भाव को आत्मसात करते हुए पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में लिखते हैं। शायद मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक दफ़े बताता हूँ कि पंडित बनारसी दास जी पांडे राजमल जी के बिल्कुल पक्के अनुयायी हैं, भगत हैं, अंधे भगत तो नहीं कह सकता मैं है? देखो ऐसा है, मैंने पहले के बनारसी दास जी हिंदी साहित्य के उस वक्त के महाकवि थे, लेकिन संस्कृत और प्राकृत का ज्ञान उन्हें नहीं था। वे व्यापारी थे और उत्तर प्रदेश में वहाँ कोई खरगोन उधर कोई ये गांव है, कौन सा क्या नाम, जौनपुर, वो जौनपुर के रहने वाले थे और धंधा करते थे। तो व्यापार के लिए आगरा आते थे, बनारस जाते थे, यहाँ से माल खरीद के वहाँ बेचते थे, वहाँ से खरीद के वहाँ बेचते थे, और सभी तरह का माल, घी तेल भी, नमक मिर्च भी और हीरे जवाहरात भी, सारी दुकान एक साथ थी। जो आजकल के स्टोर खुल गए ना, ये एक ही स्टोर में सब मिलता है। और वो घोड़ों पर माल लाद के लाते थे और उसमें सारा माल रहता था। और
उनकी आत्मकथा में ये लिखा है कि 10-5 दफे तो भी लुट गए रास्ते में, बिल्कुल जीरो खड़क पे सारे व्यापार आते लुटेरे जंगल में से पार जाना पड़ता, सब कुछ लूट के ले गए और फिर जमीन पे खड़े हो गए, फिर शुरू किया। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि जब डाकू लुटेरे आए तो एक किसी के घर में ये घुस गए, पर अंदर से जो भी था वो बंद कर दिया, चटकनी मटकनी जो उस जमाने में होती होगी, लकड़ी का बेड़ा होता था वो अंदर बंद कर दिया। अब बाहर से कहें कि इसे तोड़ो और निकालो बनियों को, इनके पास माल होगा। तो बनारसी दास जी अंदर से बहुत घबराए, तो एक आदमी और था उनके साथ, तो वो कहते हैं कि तू छोड़ना मुझे, खोल देना के बाद मैं एक एक को देखता हूँ, जनेऊ कसम मैंने एक को जिंदा छोड़ा। तो क्या कहा, ये कह दिए जनेऊ कसम क्या होता है, जो ब्राह्मण लोग एक गोभी पहनते ना उसे जनेऊ बोलते हैं, तो ऐसे जनेऊ कसम, उनके जनेऊ पहने नहीं थे वो लेकिन उनने एक ज्ञान कराया उन डाकुओं को कि ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पंडित है। तो बोले तुम ब्राह्मण हो, पंडित हो? हाँ हाँ हम पंडित हैं, तुमको सुना दें? तो उन्होंने छंद सुने, उन्होंने बढ़िया बढ़िया छंद सुना दिए, उनके उनके यहाँ के चौपाई सुना दी तुलसीदास की। फिर उन्हें ऐसे नहीं मानते, हम हमें जनेऊ दिखाओ। तो उसी वक्त उन्होंने वो कोई कच कपड़ा मुड़ा फाड़ के ऐसा फिकर के बटबटा करके और उसको बना करके ऐसा उसमें से दिखाया कि बारे कि ये जनेऊ है। तो जनेऊ देख के वे भाग गए कि पूज्य महाराज हैं, इनसे क्या लेंगे अपन। ऐसा उनकी आत्मकथा में उनने खुद लिखा है ना, मैंने कैसे कैसे उनके संकट उनके जीवन में आए। और एक थोड़ा और बता दूं कि जब ये पूरे लुट गए, साफ हो गया मामला, कुछ नहीं बचा, और ये आगरा में आते थे तो आगरा में वो उनके उनके छंद लोग गली गली में बोला करते थे, जैसे आज सिनेमा के गाना गाते हैं लड़के बनारसी दास के छंद। अब वो पैसा मैसा था नहीं, तो एक कचौड़ी वाले के यहाँ सुबह नाश्ता करने रोजीना जाते थे और कचौड़ी खाते थे, है ना? तो अब उससे कही भैया कल से हम नहीं आएंगे। कि क्यों? कि तुम्हारे कचौड़ी के पैसा देने को हमारे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा तुमसे पैसा मांगे किसने है? आप बिल्कुल रोजाना आना और कचौड़ी खाना, और हम लिखते जाएंगे और जब तुम्हारे पास हो जाएंगे तब ले लेंगे, लेकिन तो नाश्ता बंद नहीं करना। वो भी उन्हें अपनी जीवन कथा में लिखा है, मैंने नाटक समय सार के साथ कचौड़ी वाले क्या कचौड़ी भी खाते थे और बनिया की तराजू लेके माल भी तौलते थे। ऐसा कह के आप लोग कचौड़ी खाया करें रोजाना ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, साधारण व्यापारी थे उस जमाने में, जैसे व्यापार चलता था वैसा व्यापार करते थे, उससे अपनी आजीविका करते थे। और पहले बहुत श्रृंगार रस के रसिया थे, उन 1000 छंदों में एक कहानी किताब लिखी थी, क्या नाम था उसमें, नवरस का ऐसा नाम था किताब का। उस वक्त जो नवरस पे किताब लिखते थे उनको आचार्य का पद दिया जाता था, जैसे आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि, उस जमाने की बात है। तो वो संस्कृत और प्राकृत नहीं जानते थे, समय सार का ज्ञान उन्हें पांडे राजमल जी की कलश टीका से ही हुआ था। तो कलश टीका में जिस कलश का जो अर्थ किया गया है वही उनके दिमाग में बसा था। देखो प्रतिक्रमण का अर्थ एक क्या है, क्या बताया पांडे राजमल जी ने, पठन पाठन स्मरण चिंतवन स्तुति वंदना, लिखा ना। अब उनका छंद देखो,
बोलो भाई पढ़ो कोई। चौपाई पढ़ो, तुम्हें कुल तुलसीदास याद आ जाए, किसी ने तुलसीदास को सुना होगा तो। सुनी होंगी लोगों को, पंडितों को गाते, और आपने मुरारजी बापू की कहानी कथा सुनी कि नहीं सुनी, तो वो भी ऐसे गाते हैं। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो तुलसी को जिनने पढ़ा है, रामायण की थोड़ी भी पढ़ी है, रामायण के चार पेज भी पढ़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी की रामायण का कौन सा ऐसा शब्द यहाँ है कि जिससे अपन पहचान सकते हैं कि तुलसीदास जी के शैली है। हमारे विद्यार्थियों ने ही बताया, ये तुलसीदास जी का हर पेज पे मिलेगा। ये गुसाई क्या है, आपको अटपटा लग रहा होगा। गुसाई माने गोस्वामी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपन। तो वहाँ जो खासकर ब्राह्मण लोग थे और जो ऐसे मतलब जो समाज का मार्गदर्शन करते थे, उनको गोस्वामी बोला करते थे। वैसे तो गो माने गाय होता है, और उसका स्वामी माने गौशाला का मालिक, माने बहुत सी गायें जो पालन करता था वो गोस्वामी। तो असली गोस्वामी तो श्री कृष्ण हैं, गायों के स्वामी। अब गो साहित्य को भी बोलते हैं, साहित्यकार को भी गोस्वामी बोलते थे। अब गो माने जिनवाणी भी होता है, तो गोस्वामी माने जिनवाणी का जानकार। तब इनके इन्होंने यहाँ वो गोस्वामी शब्द का उपयोग जिनवाणी के जानकार के अर्थ में किया है। संबोधन है कि हे गोसाई, माने किसी को बहुत सम्मान पूर्वक संबोधित करना हो तो उन्हें गोसाई शब्द से संबोधित किया जाता था। ये आज से 400 साल पहले। देखो, नंदन बंदन थुतिकरण, भगवान की भक्ति पूजा पाठ में प्रसन्न होना, नंदन माने आनंदित होना, बंदन माने नमस्कार आदि करना, स्तुतिकरण माने मुँह से स्तुति भगवान की बोलना, श्रवण माने सुनना और चिंतन करना और जाप करना, ये सारी चीज़ें गिना दी ना हमने इसमें। और पढ़ना और पढ़न और पढ़ावन, पढ़ना पढ़ाना, और उपदेशन उपदेश देना, ये बहुविध क्रियाकलाप इत्यादि, बहुविध माने इत्यादि, बहुत जितने भी क्रियाकलाप हैं, ये काम हैं। शुद्धातम अनुभव जहाँ तहाँ शुभाचार तहाँ ना, ये शुभाचार हैं, ये शुद्धातम के अनुभव में नहीं है।
अथवा जब तक ये रहेंगे तब तक शुद्धात्म का अनुभव नहीं होगा, जब शुद्धात्म का अनुभव होगा तब ये नहीं रहेंगे। माने इनका सह अवस्थान विरोध है, एक स्थान पे दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्यों कर्म कर्म मार्ग विषय और शिव मार्ग शिव माई, क्योंकि कर्म का रास्ता कर्म में है और मुक्ति का रास्ता मुक्ति में है। वो मुक्ति माने वो अनुभव है, अनुभव वो मुक्ति का मार्ग है और वही मोक्ष है। कहाँ लिखा है? हाँ, अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप लिखा क्या नहीं लिखा? विधि वस्तु व्यवस्था जैसी कही जिनेन्द्र कही मैं तैसी, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है और मैंने ये तुम्हें सुनाई है कैसी, कि जिनेन्द्र भगवान ने समूशन में बैठकर 100 इंद्रों को जो सुनाई थी, है ना, कि ई विधि वस्तु व्यवस्था जैसी कही जिनेन्द्र कही मैं तैसी। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, गुरुदेव के मुख से सुना होगा, अरे भाई ये सर्वज्ञ परमात्मा की बात है, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, 4 ज्ञानी ज्ञान के धारी गणधर देव की उपस्थितियों में, संतों की सभा में जो सर्वज्ञ परमात्मा ने जो बात कही थी वही बात ये है। ख्याल में कितनी उन्हें अपनी बात में कितना कॉन्फिडेंस कितना विश्वास क्या था, पर आज तो हमारी भाषा ही बदल गई। जहाँ तक मैं समझता हूँ जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक भाषण में 50 दफे तो निकलेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। हम उनसे कहना चाहते हैं भैया जहाँ तक तू समझता है हम वो सुनने नहीं आए। जो भगवान भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा था वो कुछ तू समझता हो तो बोल, वो नहीं तर बंद कर दे। ये भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण वर्ष की घटना है। अपन सब लोग गए थे ना 1000 यात्रियों के साथ में, तो जहाँ पर वहाँ थे राजगिरी में, तो राजगिरी के पास में है गया जी, तो गया जी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था अनेकांत साध बात पर, तो मेरे पास भी पत्र आया था, तो मैंने भी एक लेख लिखा था जो अभी अनेकांत साध बात किताब के रूप में छपा है, और वो मैंने भेजा था, और वहाँ करीब 100 से कम विद्वान नहीं थे, और हम लोग वहाँ से गए थे 2 गाड़ियाँ लेकर के, और हम 8-10 मोक्षों के साथ जवाहरलाल जी वगैरह हमारे साथ गए थे, तो हम किताबों का ले जाते साथ में, फटाफट स्टॉल लगा देते, तो कैलाश चंद जी बोले कि वो हमने स्टॉल देख लिया था तो हम समझ गए कि गुरु जी आ गए हैं। मजाक उड़ाते थे क्या? फिर हमने उसमें बोला, वो अपना निबंध जो आपने पढ़ा होगा, तो एक नथमल टांटिया सेतांबरों के विद्वान थे, और उस सभा के अध्यक्ष कौन थे मालूम? DS कोठारी। और DS कोठारी समझते हो कौन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, जो केंद्रीय मिनिस्टर की हैसियत रखते हैं। जितने विश्वविद्यालय हैं उनको जो अनुदान दिया जाता है ना, जिनसे वो पूरा खर्चा, अनुदान माने पूरा खर्चा विश्वविद्यालयों का चलता है, वो उसके अध्यक्ष थे, और वे मंजूर करते थे इस विश्वविद्यालय को इतने पैसे दे दो तब पैसे दिए जाते थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष DS कोठारी उस सभा के अध्यक्ष थे, और हमारा निबंध वो पढ़ा, तो मैंने वो सब जो बातें उसमें, अब वो लंबाऊंगा क्या कहा था तो वो बहुत समय हो जाएगा। तो नथमल टांटिया सेतांबरों के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, दलसुख मालवणिया, नथमल टांटिया और सुखलाल संघवी, ये बहुत बड़े विद्वान उनके थे। तो वहाँ टांटिया जी मौजूद थे तो सभा में, तो एकदम उन्होंने स्पीकर लिया बिना पूछे किसी से, चाहे जो कुछ आता जो मन में आता है सो बोलता है।
क्यों ऐसे लोगों को समय दे दिया जाता है? अभी अब सन 74 की बात है, हम 74 में कितने वर्ष के होंगे निकाल के बताओ जल्दी। 35 का जन्म है, 39 साल के थे और वो थे 60-65 वर्ष के, और बिल्कुल प्रतिष्ठित विद्वान, उन्होंने ठोका। अब मैं तो आज जितना गर्म हूँ उस दिन तो कितना गर्म होऊंगा सोचो, उस जमाने में मेरी जवानी की कल्पना करो थोड़ी बहुत। मैंने अभी पकड़ लिया स्पीकर, मैंने कहा मैं इसका जवाब दूंगा। तो जब बहुत सन्नाटा छा गया, कोठारी जी ने मेरे से कहा भैया बैठ जाओ बैठ जाओ, स्पीकर हाथ में लिया, तुम्हें जवाब देने का मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन मैं 2-3 निबंध पढ़वाऊँगा पहले और फिर बाद में जवाब देने का मौका। मैंने कहा इसको ठंडा कर दो, दोनों को ठंडा करने का तरीका ये है, नहीं अब भी हाल भरेंगे। फिर उन्होंने दो विद्वानों के बाद मुझे नंबर दिया कि अब बोलो। तो वो ये बोलते थे बार बार ठाटिया जी कि जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो मैंने यहीं से पकड़ा, मैंने कहा सारे सदन से मेरा निवेदन ये है कि मैंने तो जो बात कही है वो बिल्कुल आचार्यों के प्रमाण दे के कही है, सर्व भगवान की वाणी में जो अनेकांत का स्वरूप आया है विद प्रूफ, एक एक पेज पर मैंने लिखा है, प्रूफ नीचे दिया है, कही है, इसलिए मेरी बात तो ये मानी जाए कि सर्वज्ञ भगवान की बात है। और टाटिया जी की बात है ये मान करके विचार करें, और वो भी टाटिया जी को भरोसा नहीं है कि वे पूरा समझते हैं तो वो मालूम। अब मुझे याद आया उन्होंने किस बात पे ऑब्जेक्शन किया था, मैंने कहा था गुण में और धर्म में और स्वभाव में क्या अंतर है, तो मैंने वो बताया था कि जिनकी पर्यायें होती हैं उन्हें गुण कहते हैं और जिनकी पर्यायें नहीं होती हैं लेकिन प्रतिद्वंदी होता है उसे धर्म कहते हैं। इस पे उनने वो बहुत नाराजगी व्यक्त की थी, कहाँ लिखा है समझिए ना। तो मैंने इतने प्रमाण दिए उस वक्त कि वहाँ है ये है वो है, ये धर्म है, ये प्रतिद्वंदी होता है सब। तो कोठारी जी मेरे से बहुत प्रभावित हुए हैं, तो उन लोगों ने बीच में टोका टोई करने की कोशिश की तो सबको बैठा लिया। अभी शांति से सुनने दो ना, आप लोगों को जिसको कोई कहना होगा तो मैं चांस दूंगा। मेरा उत्तर हो गया और फिर उनसे बोले किसको बोलना है, सब चुप बैठे। तो ये क्या है, ये विद्वत्ता है। इसे हम तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार कहते हैं, हर चीज को प्रूफ प्रमाण के साथ कहते हैं। देखो कहाँ तो बनारसी दास ने भी कहा ना, यही विधि वस्तु व्यवस्था जैसी, कही जिनंद कही मैं तैसी, जे प्रमाद संयुत मुनि राजा, जो प्रमादी मुनिराज हैं, कौन आलसी मुनिराज दिन भर सोते रहते होंगे तो क्या बोलो मत चुप रहो इज्जत जाएगी। छठवें गुणस्थान वाले मुनिराज, छठवें गुणस्थान वाले सुन के आपका मुंह पिचक जाता है कि जैसे भी कोई बहुत जहरीले हों। अरे उनके तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति विद्यमान रहती है, भले ही उपयोग शुभ हो लेकिन परिणति तो तीन कषाय के अभाव रूप निर्मल है ना, और सम्य दर्शन सम्य ज्ञान है। ये कहते ये जो प्रमाद से संयुक्त मुनिराज हैं उनका काम तो शुभाचार से है, तो शुभ आचरण शुभ में रहते हैं, लेकिन जहाँ प्रमाद दशा नहीं व्यापे माने सात मनुष्य, तहाँ अवलंब आपनो आपे, वहाँ अपने आत्मा का स्वयं का अवलंबन होता है ना। ताकारण प्रमाद उत्पादी प्रकट मोक्ष मार्ग को घाती, इसलिए प्रमाद उपद्रवी है, उत्पाती माने उपद्रव करने वाला है और वे मोक्ष मार्ग का घात करने वाला है। उनके तो मोक्ष मार्ग है ना तीन कसाई के अभाव रूप, लेकिन ये घात कर दिया ना, इसने शुद्ध उपयोग था वहां से तो गिरा ही दिया ना,
मोक्ष मार्ग में थोड़े आगे बढ़ गए थे तो गिरा दिया ना, जे प्रमाद संजुगत गुसाई उठाई गिराई किन दुख की नाही। जो प्रमाद से युक्त संयुक्त गुसाई, आप समझ रहे गोसन्मान मुनिराज हैं, वे गेंद के समान उछलते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं। जे प्रमाद तज उज्जत उद्धत होई, जो प्रमाद छोड़ करके, और उद्धत माने उद्दंडता के अर्थ में नहीं है, होता तो उसका अर्थ उद्दंडता ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ से ऊपर बढ़ने वाले। तिनखों मोक्ष निकट दीर्घ सो ही, उनके आँखों के सामने मोक्ष है, निकट है, और निकट की कहने से संतोष नहीं हुआ, फिर दीर्घ सो ही, लेकिन आँखों के सामने ही मोक्ष है। घट में है प्रमाद जब ताई, पराधीन प्राणी तब ताई। जब तक घट में मन हृदय में प्रमाद है तब तक प्राणी पराधीन है, और जब प्रमाद की प्रभुता नाश है तब प्रधान अनुभव प्रकाश है। जब प्रमाद की प्रभुता माने प्रशासन समाप्त होता है तब अनुभव का प्रकाश होता है। अब ता कारण जगबंध, उस प्रमाद के कारण इसको जगपंथ कहते हैं, और उत शिव मार्ग जोर, और उधर शिव पंथ है, मार्ग माने पंथ, ये जगपंथ है और वो शिव पंथ है। परमादि जग में धुके, परमादि संसार में दौड़ता है, अपरमादि शिव ओर, अपरमादि मोक्ष की ओर भागता है। अब इसका अर्थ वही है जो मैंने बताया है, है? अभी पढ़ के क्यों सुनाऊं, कुछ गलती बता दिया होगा तुम्हें पकड़ में आ जाएगा, आगे बढ़ो। गलती कैसे बताया होगा, लिखा तो मैंने ही है। अब इसके बाद में स्वामी जी का कोटेशन है, और उसको पढ़ सुनाने का ठेका तो शांति जी ने ले लिया है। अब अपन निकालो पेज नंबर 197 के नीचे की तीन पंक्ति। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि अशुभ भाव रूप जो अप्रतिक्रमण है, पाप प्रवृत्ति करके भी पश्चाताप नहीं करने रूप जो वृत्ति है, वह तो महाजहर है और सर्वथा त्याज्य है। बहुत स्पष्ट है, प्रमाद बस होने वाले अपराधों के प्रति पश्चाताप के भाव होने रूप जो प्रतिक्रमणादि हैं, वे पाप की अपेक्षा व्यवहार से अमृत कुंभ हैं, कथनचित करने योग्य हैं। कथनचित माने मतलब कभी कभी नहीं, माने जिनवाणी में एक ऐसी अपेक्षा है कि जिसकी अपेक्षा इन्हें करने योग्य कहा जाता है। ऐसा सुभाषो भाव से रहित शुद्धोपयोग रूप जो निश्चय प्रतिक्रमण है या अप्रतिक्रमणादि हैं, वे साक्षात अमृत कुंभ हैं, सर्वथा ग्रहण करने योग हैं, मुक्ति के साक्षात कारण हैं। अब इसी भाव का पोषक कलश कहते हैं जो इस प्रकार है। बोलो भाई। जब भी आलस की बात आती है, प्रमाद की बात आती है, प्रमाद में भले ही ना आए लेकिन आलस शब्द बोले तो हमें जमाई लेना ही आता है, और आंखें बंद होना और बीच बीच में प्रवचन में
हाँ ऐसे ऐसे ऐसा समझ में आता ना, ये आलस नहीं है। एक दौड़ता हुआ आदमी भी महाआलसी हो सकता है, महाआलसी हो नहीं सकता, होता ही है। वो तो शुद्धात्मा में नहीं गया वो आलसी, वह खत्म। और शुद्धात्मा में गया वो निरालसी। जैसे आप आलसी समझ रहे हो, आप सोच रहे हो कि इन्हें नींद आ गई, ऐसा तो बहुत दफे होता है कि लोग समझते हैं कि ये ध्यान कर रहे हैं और उन्हें आ जाती है नींद। ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि वे आत्मा में चले गए हों और तुम समझो कि ये सो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना कि वो कहते जो अपने निज काम में सोता है वो जगत के काम में जागता है, जो जगत के काम में जागता है वो निज काम में सोता है ना। अंदर में उपयोग चला गया, शरीर पे उपयोग रहा नहीं, शरीर कमजोर हो, ऐसा हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा हो सकता है, मेरे कहने का मतलब वो गंभीर ना सही अनुभव में, गंभीर चिंतमन में हो तब भी आपको ऐसा लग सकता है कि ये सो गया है। हजार दफे ऐसा होता होगा कि आप सो जाते हैं और लोग समझते हैं कि आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन एक दफे ऐसा भी हो सकता है कि आप अनुभव कर रहे हो और जगत आपको सोया हुआ समझ ले, है ना। अब ये कहते देखो, कसाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है। प्रमाद कलिता कथम भवती शुद्धा भावोलसा कसाय भर गौरवाद। कसाय के भार से गौरव मन दबा हुआ। अब कसाय के भार से दबा होगा तो कौन सी कसाय कैसे बोलते, गुस्से को। तो गुस्से में आदमी सो जाता है, क्यों कि वो तेजी से दौड़ता है, चौगनी ताकत आ जाती है, हैं मारने पीटने दौड़ता है। बोलो कसाय भाव में सोता कहाँ है। ऐसा अभिमान हो, मायाचारी हो, लोभ हो, हैं ये तो कोई भी कसाय के भाव में का गौरव हो तो उसमें जैसी निष्क्रियता को आप आलस कहते हैं वो सी दशा होती नहीं है। तो ये सब आलस ही है जो इस प्रवचन में सो रहे हैं, वे तो आलसी हैं ही, लेकिन जो बहुत सावधानी से सुन रहे हैं वे भी आलसियों में ही हैं। लिखा है इसमें क्लियर, मैं नहीं कहता हूँ भाई। कसाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है, माने कसाय की उत्तेजना में जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम है प्रमाद, उसका नाम है आलस। और यह प्रमाद का भाव शुद्ध कैसे हो सकता, जो कसाय से उदय में होता हो उसको प्रमाद वो अच्छा कैसे हो सकता है। देखो वैसे गोमर साहब थोड़ा बहुत जिनने पढ़ा होगा तो कसाय प्रमाद किसे कहते हैं, तो पांच चीज़ों के मिक्सचर का नाम कसाय है, ये प्रमाद है। कौन कौन सी ये पांच चीज़ें हैं उसमें, कसाय और क्या भैया क्या बोला कसाय क्या बोलता हूँ, बिकहा ताहा कसाया इंद्रिय निद्दा तहा चेहा, है ना। विकथा चार प्रकार की विकथा, कौन स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा, तो चार तो विकथाएं और चार कसाएं, तो आठ हो गए ना। विकहा तहा कहाया और इंद्री, पांच इंद्रियों की अधीनता, तो कितने हो गए, आठ पांच तेरह, और निद्रा और स्नेह प्रेम, है ना। ये पंद्रह चीजों का मिक्सचर का नाम प्रमाद है। ये गोमर साहब में लिखा है। अब ये पंद्रह चीजों में ऐसी कौन सी चीज है कि जिसे तुम आज जो प्रमाद समझते हो, अकेला एक निद्रा को छोड़ दो। अब विकथा, तो विकथा करोगे तो सो जाओगे बीच में, रस ले लेके सुनाओगे और सुनोगे, चारों प्रकार की विकथाएं हैं। फिर आप विचार करो,
कसार करोगे तो भी नहीं सो सकते, पांच इंद्रियों के अधीन होगे तो विषय भोगोगे ना, सोओगे कैसे? अब ये एक निद्रा ही है बस, खत्म। कि जैसे आप जिसमें आप सो सकता है आदमी है, तो आप समझ लेना कि उसमें मतलब बहुत कम है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि नींद की गोली तो आती है खांसी की दवाई में, लेकिन बहुत कम होती है। तो इसमें निद्रा वाला तत्व बहुत कम है, आप समझ रहे ना। इन पांच चीजों के मिक्सर का नाम कैसा है? एक प्रमाण है, तो उनके भेद बताए हैं, ज्ञान बताए, सभी बता रहे। तो कसाय तो उसमें शामिल है ही, इसलिए आचार्यों ने बस प्रमाद और अप्रमाद बस दो तरह से उन्हें विभाग कर दिया मुनिराज में, प्रमत्त मुनिराज और अप्रमत्त मुनिराज, उन्हें यहाँ से विभाजन किया है। और दूसरा विभाजन कहाँ से किया? हेमंत के नाम हेमचंद भाई, हेमंत भाई नहीं, हेमचंद भाई। कसाय तो कसायांत, तो कौन? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, ये चार का एक ग्रुप बनाया और योग का योग है ना। मोह योग भवा, गुणस्थान किसे कहते हैं? जो मोह और योग से बने हुए। तो मोह माने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, इसका नाम मोह, और योग माने योग। ये बिंद के कारणों में बताए हैं। तो अब जब कसार को बोलते हैं राकेश, अब तुम्हारे मतलब की बात, तो उसका अर्थ हमेशा कसायांत होता है। वनस्पत्यता नाम एकम, वनस्पति है अंत में जिनके उनके एक इंद्री होती है ना सूत्र? ऐसे ही कसाय है अंत में जिसके, उसे बोलते कसाय। तो प्रमाद भी वो कहना, मिथ्यात्व भी कसाय है, अवरति भी कसाय है, प्रमाद भी कसाय है, और कसाय तो कसाय है ही। तो जहाँ ये लिखा है कि कसाय से बंद होता है, उसका ये अर्थ लेना है? और तुम्हारे यहाँ क्या कहा जाता है? वो समझ गया, कहा जाता है कसाय से बंद होता है, क्लियर तो लिखा है। मिथ्यात्व से कहाँ बंद होता है? कसाय से बंद होता है, क्लियर लिखा ना। लेकिन भैया कसाय शब्द का अर्थ क्या है? इसके लिए मैं सूत्र जी की टीका लिख रहा हूँ। अब जब वो सूत्र आएगा तब उसकी पूरी घिसाई करूँगी, समझ में आई ना। यहाँ कसाय शब्द का क्या अर्थ है? और टोटम जी ने लिखा है कि जिन जीवों को आत्मकल्याण बंध ना करना हो, वे कसाय ना करें। क्लियर लिखा ना, वे मिथ्यात्व का सेवन ना करें। क्या लिखा है? लिखा तो ये ले ले करके झंडा लिए फिरते हैं। अब उसका क्या अर्थ है, क्यों अर्थ है, कैसे अर्थ है, हैं? और वे बड़े बहुत प्रसिद्ध कुंद कुंद की बराबरी के मानने वाले अपने को, और हमारे कौन सुने। उन्होंने कहा शांति से एक एक सूत्र पर लिखेंगे तो फिर उसको राग द्वेष माना जाएगा। फिर पहली ही सूत्र से अंतिम सूत्र तक लिखो, और वो बीच में यथास्थान आए तो वो उसको गौरव की चीज होगी। इसलिए अब मेरे को डर लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा नक्की किया है, दो अध्याय पहले लिखो, फिर पांचवा अध्याय लिखूं, हैं? फिर नौवा लिखूं, दसवा लिखूं, और फिर समय बचे तो फिर तीसरा चौथा छठवा सातवा लिखूं, ऐसे करके लिखूंगा। असली चीज तो लिखी जाए जो लिखना चाहता हूँ। कहाँ अपने कहाँ आ गए थे ना, ये प्रमाद कलता चल रहा है ना। अभी मेरा तो बताइए, देखो तीन शब्द हैं इसमें। कलश का अर्थ है करते हुए पांडे राजमल जी कलश टीका में। अब पांडे राजमल जी उनकी कलश टीका, इसके बारे में अब नहीं बताने की जरूरत है, बता चुका ना। अलसाह शब्द का अर्थ अनुभव में शिथिल करते हैं। देखो आलसी का मतलब क्या है? अनुभव में शिथिल, धंधे पानी में शिथिल नहीं, अनुभव में शिथिल माने आलसी। और प्रमाद कलता का अर्थ
नाना प्रकार के विकल्पों से संयुक्त थे, ये प्रमाद कविता का अर्थ और मुनि का अर्थ सम्यक दृष्टि है। मुनि शब्द का अर्थ सम्यक दृष्टि किया इस कलश में भैया, मुनि का सम्यक दृष्टि क्यों किया, क्यों मुनि सम्यक दृष्टि नहीं होते क्या? आजकल तो दो पार्टी हो गई ना, एक सम्यक दृष्टियों की और एक तो मुनि का अर्थ सम्यक दृष्टि किया है। और भी एक जगह कलश है ना, वो कौन सा जिसमें लिखा देश वृत्ति मुनि तिन की अवस्था तो लोहार की संन्यासी, उसमें भी आता है ये बात है ना। हाँ अब देखिए, और मैंने बोला बनारसी दास जी तो इनसे बिल्कुल बंधे हुए हैं, बस इनने जो गद्य में लिखा उनने उसे पद्य में कन्वर्ट कर दिया। पढ़ो, तीन दोहे हैं, पढ़ो सुनाओ बढ़िया है। सीधा सच्चा अर्थ है इसका तो, जे प्रमादी आलसी। अब प्रमाद का अर्थ तो उन्होंने बता ही दिया, प्रमादी माने आलसी। तो कौन है वे जिनके विकल्प भूल ते प्रमादी आलसी, जिनके बहुत विकल्प हैं वे प्रमादी हैं, वो आलसी हैं। होय शिथिल अनुभव विषय, ऐसे जीव अनुभव में शिथिल होते हैं और उन तिनको शिव पथ दूर है, उनको मुक्ति बहुत दूर है, मुक्ति का मार्ग ही बहुत दूर है, मुक्ति तो कहने क्या है। और जे परमादि आलसी, फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं, जो अभिमानी हैं आलसी हैं, बे अभिमानी, अभिमानी जीव, बे जीव परद्रव्य में एकत्व बुद्धि का अभिमान करते हैं। और जे अविकल्पी अनुभवी ते समरसी सदी, और जो विकल्पों से रहते हैं अनुभवी हैं, वे समता रस का पान करने वाले, सदा समता रस का पान करने वाले हैं। जे अभिकल्पी अनुभवी शुद्ध चेतना युक्त, जे विकल्पों से रहत अनुभवी हैं, वे शुद्ध ज्ञान चेतना वाले हैं। और ते मुनिवर लघु काल में होए कर्म सो मुक्त, बहुत सरल है, अभी ज़्यादा इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। अभी यार गुरुदेव का पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा समझो मधमान में है ना। आगे नीचे, जैसे घास से भरी गाड़ी में भार होता है, उसी तरह आत्मा में शुभाशुभ कसायों का भार है। कसाई का भार स्वयं अपने आप में आलस है, प्रमाद है, क्योंकि कसाई के कारण स्वरूप में सावधानी नहीं रहती, स्थिरता नहीं हो पाती, यही सब तो प्रमाद है। क्या कसाई खोटी चीज़ है, वो तो सारी दुनिया मना करती है, नहीं इसमें 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 शंका की क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे। तो सुनो अब देखो, जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, शांति जी को जो मैं नहीं छोड़ कर, भाई धंधा व्यापार में उत्साहित रहना तो प्रमाद है ही, अब मंदिर बनवाने में देखो, प्रतिमा पधराने में, समाज की राज की सेवा में तत्पर रहने में भी प्रमाद है। इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, हम तो कितना गौरव का अनुभव करते हैं, क्यों जब बनवाते हैं तब, और फिर बन जाए तब, मैंने जीवन में एक सपना देखा था और वो मेरा पूरा हो गया है,
भगवान तो कहते हैं कि सपने आज तक किसी के पूरे नहीं भए, हैं? यदि सपने पूरे होने होते तो तुम भगवान मोक्ष में जाने का सपना देख लो ना एक दफे, क्यों हो जाएगा? देखो मंदिर बनवाने में, प्रतिमा पधराने में, समाज की व राज की सेवा में तत्पर रहने में भी प्रमाद है, और ये सब लोग कसाई के भार से दबे हुए हैं। कौन कौन? सब मंदिर बनवाने वाले हैं, लिखा है वो उनका नहीं लिखा, धंधा पानी करने वाले की। अभी हम इस अध्यात्म की इतनी ऊंची बात चल रही, वो धंधा पानी वालों की बात कर रहे हैं ना? अरे वे तो मरे मराए लोग पड़े हैं, अभी हैं कहाँ यहाँ, वे तो धंधा कर रहे हैं। क्यों यहाँ तो मोटा नहीं है? कौन? कांति भाई। विपुल मोटा नहीं है ही नहीं, उसे क्या कहें? वो धंधे में लग रहा, वो कमा रहा है, जे गमा रहे हैं, दान कर रहे हैं, मतलब क्या है ना? क्या देख प्रमादी है? देखो यह सब राग है ना, अतः प्रमाद है। प्रमाद के 15 भेदों में ये सब आते हैं। गुरुदेव हैं, चार कसाएं, चार इंद्रियों के विषय, और चार विकथा, और निद्रा, और प्रणय, प्रणय में स्नेह, ये 15 भेद प्रमाद के हैं। ऐसे प्रमाद से सहज भाव शुद्ध भाव कैसे हो सकते हैं? भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य रस से भरा है, जो उसके आश्रय में न जाकर अशुभ की प्रवृत्ति में हर्षित होकर काल व्यतीत करता है वह पापी है, प्रमाद से भरपूर है, उसे शुभ भाव कैसे हो, उसे शुभ भाव कैसे हो? पर यहाँ तो विशेष बात यह है कि शुभ भावों में भी जो उत्साहित है वे भी प्रमादी हैं। अब 5 महाव्रत के राग को व 28 मूल गुणों के राग को प्रमाद कहा है। 6वें गुणस्थान व्रती मुनि प्रमत्त हैं। अब देखो हमने जिन चीज़ों में क्रिया में धर्म मान रखा है, जो शुभ को भी छोड़कर अपने ज्ञानानंद स्वरूप में लीन होकर शुद्धता को प्राप्त करता है वह अप्रमादी है। इसके सिवाय स्वभाव से में ही से परिणाम का नीचे गिर जाना प्रमाद है। देखो अभी अपन अपने छाती पर हाथ रखकर विचार करें गंभीरता से कि ये तत्व की चर्चा अपन कर रहे हैं, गुरुदेव की वाणी है और सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है, क्योंकि अपन ने कुंद कुंद को प्रस्तुत किया, अमृतचंद को प्रस्तुत किया, पांडे राजमल जी को किया, बनारसी दास को किया, और उनके पीछे एक अंत में गुरुदेव को भी किया। अकेले गुरुदेव की बात थोड़ी है, सबकी है ना। अब इतनी डंके की चोट अपने ने सुना और अपन ने स्वीकार भी कर लिया। एक भी आदमी ऐसा यहाँ नहीं है कि जो नहीं कहता वो गलत गड़बड़ है नहीं कहता है ना। अब स्वीकार कर लिया। अब मैं आपसे कहता हूँ, स्वीकार करने वालों से, जिनने स्वीकार नहीं किया उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह से शाम तक जो आपके जो भाव होते हैं और इसमें जो इस टाइप के शुभ भाव होते हैं, इसमें आपको ये नहीं है कि धर्म में का धर्म बुद्धि नहीं होती है, और होती है तो बस क्या फिर क्या मतलब हुआ? तो क्या छोड़ दें सब? लेकिन छोड़ने की किसने कहा? अभी गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था तो गुरुदेव तो ऐसा कह रहे थे कि छोड़ने की बात कहाँ, छोड़ की नहीं, किसने कहा? तू करता हो तो छोड़े ना, करते ही नहीं है, किया ही नहीं है, तो क्या कि इस भूमिका में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि इस भूमिका में ये पूजन वगैरह करने करता ही है, ऐसा बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, क्यों? वो क्रिया थोड़ी उसमें होती है, वो तो भाव आए बिना नहीं रहते है? तो भाव करना चाहिए ना, भाव करना चाहिए। टोडामल जी तो कहते हाँ
तब तक स्वभाव रूप परिवर्तन करो, कहते ना। नहीं गुरुदेव कहते नहीं। फिर गुरुदेव से कहो कि आपको ये कहने में क्या तकलीफ है। मैं वो शुद्ध भाषा में नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए इतना ही कह रहा हूँ। नहीं कह सकता था कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, लेकिन नहीं कहूँगा। कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तो गुरुदेव जवाब देते थे कि जो तुझे कहलाने में जिस कारण से हमारे नहीं कहने से जो तकलीफ तुझे है, उसी कारण से हमें कहने में तकलीफ है। तू किसी ना किसी तरीके से उसका पोषण करना चाहता है, इसलिए हम नहीं कहेंगे, और वैसे हमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है। आप समझे ना, निमित्त निमित्त का ज्ञान कराने में कि टोडोमल जी ने कहा है तो हम भी कह सकते हैं, और हम टोडोमल जी ने गलती की और हम गलती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों टोडोमल जी के शिष्य इतने समझदार होंगे कि वे उसमें से ऐसा अन्य गलत पोषण नहीं करते होंगे, तो उन्होंने कह दिया। हमें हमारे सामने वाले बैठे वाले ये दिखते हैं कि एक दफ़े हमारे मुँह से करो निकल जाए तो फिर तो बस नहीं, उसका झंडा बनाएंगे ऐसा, और इस पर लगा देंगे गुरुदेव ने कहा करो। कितने डर दिखाते हैं, कितना, यदि ऐसा कहेगा तो कोई मंदिर नहीं बनाएगा, कोई दान नहीं देगा, कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा। इसलिए तो हम वस्तु स्वरूप है वैसा कहें कि तुम्हारी इसकी वजह से ऐसा कह दें। एक तो ऐसा होगा नहीं, और होगा तो हो बे, एक आदमी तो कह रहा है, हजारों तो कह रहे करो करो, तुम उनकी मान लो ना, एक को तो कहने दो। क्या परम सत्य बात का उद्घाटन तो होने दो। हमें अधिक लोग मान लेंगे और इसमें कम मानेंगे, बोलो, तो अधिक लोगों मानने के नाम के पर हमें ये सत्य का अपलाप करना है। क्यों ये सत्य का अपलाप करना है? क्या नहीं। किसी कीमत पर नहीं करना है, हमको ऐसे ही वो चाहिए, ख्याल में आए ना, गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास वाले नहीं चाहिए। मैंने कल ही अपनी मीटिंग में कहा था, अन्ना जी हैं बैठे हों पीछे बैठे होंगे यहाँ, मैंने कहा था अन्ना जी मुझे ऐसे विद्वान तैयार करना है कि जो इन सेठियों को उनकी जमीन दिखा सकें, ये फटकार सकें, इनकी स्तुति भाट जो जैसी स्तुति करें, आगे पीछे डोलें, उनका थैला लोग लेकर के आगे पीछे डोले, ऐसे पंडित नहीं चाहिए। क्या उनका क्या क्या करना पड़ता मुझे पता नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने जिंदगी में वो देखा नहीं किया नहीं। मतलब ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि जो तत्व उनको सिखाया जाएगा उसके प्रतिपादन के लिए कितना वीर चाहिए उन्हें, समझे ना। किसी भी कीमत पर किसी भी लिहाज में तत्व का निरूपण लिहाज में नहीं होता। एक सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, बस खत्म। हमारा उत्तरदायित्व उसके प्रति है। आप आओ तो कोई आगम का प्रमाण लेके आओ, कोई ये देखो ये लिखा है आपने इसके विरुद्ध कहा, तो हम आपके हाथ भी जोड़ेंगे, चरण भी छुएंगे और उसे स्वीकार करेंगे और देखेंगे वहाँ अपेक्षा क्या है, समझे ना। और यदि वो बात ऐसी निकली कि जिसमें हमारी कोई गलती है तो भरी सभा में माफ़ी मांगेंगे, ऐसा हमको कुछ नहीं है। सत्य को स्वीकार करने में और उसका हम उपकार भी मानेंगे, लेकिन किसी से भय से, किसी के डर से, किसी के लोभ से, क्यों। जब गुरुदेव की अनुयायियों की सभा में, और जब मैं एक वाक्य सुनता हूँ कभी कभी पंचकल्याणकों में कि वहाँ सातिशय पुण्य होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, और पत्नी देगी तो पत्नी को पुण्य होगा, पति देगा तो पति को देगा, भड़का बाप देगा तो बाप को होगा, बेटे को होगा तो बेटे को देगा, सबको भड़काना और लोभ दे 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 करके, देख क्या है कि ये गुरुदेव की सभा है,
उससे कुछ पैसा ज़्यादा आ जाता होगा। मेरे चित्त को आज तक स्वीकार नहीं हुआ कि ऐसी चापलूसी से, भाणगिरी से कुछ ज़्यादा इनकम हो जाती होगी। मेरे तो कल्पना लोक के बाहर है। हम तो उन गुरुदेव के शिष्य हैं कि जिन्होंने कहीं कुछ नहीं होगा, है ना, भटकारा है, डाटा है, हमें तो उन गुरुदेव के शिष्य हैं, ख्याल नहीं ना। तो मैंने कहा, अन्ना जी, हमको ऐसे विद्वान चाहिए, हमको ऐसे विद्वान नहीं चाहिए कि जो इसके आगे पीछे घूमे, वो उसके आगे पीछे घूमे, ये किसी कीमत पर भी नहीं चाहिए। हो गया भैया।